एल्विस यादव ने किया पोस्ट। जी दोस्तों, एल्विस यादव ने मुनव्वर फारूकी का नाम लिए बिना उनके हिरासत में जाने वाली खबर पर रिएक्ट किया है। तो आइए जानते हैं, जुड़े रहिए वीडियो के साथ एंड तक। जी दोस्तों, बिग बॉस 17 के विजेता और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दरअसल मंगलवार के दिन एक हुक्का बार में छापेमारी हुई और पुलिस ने बार में मुनव्वर समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने सभी लोगों से पूछताछ की और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया। मुनव्वर के साथ 26 मार्च की रात हुई इस पूरी घटना पर एल्विस यादव का रिएक्शन आया। एल्विस यादव ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या लिखा कि कमेंट की हो गई बौछार। जी दोस्तों, एल्विस यादव ने अपने सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी का नाम लिखे बिना पोस्ट किया। एल्विस यादव लिखते हैं, बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्या? लोग एल्विस की इस पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तुम्हें फेम हैंडल करना नहीं आता बस। दूसरे यूजर ने लिखा, हाँ यार अब कोई मत जाना बिग बॉस में। तो तीसरा यूजर लिखता है, आपने जीता है आप जानो, हमें क्या पता कि समय बुरा चल रहा था या ... जी दोस्तों, मुनव्वर फारूकी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। पुलिस अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि उस बार में हर्बल हुक्का की आड़ में तंबाकू वाला हुक्का उपयोग किया जा रहा है। छापेमारी के वक्त बार से कई चीजें मिली हैं। अभी इन चीजों की जांच हो रही है। इस दौरान बार में मौजूद लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर फारूकी का मेडिकल टेस्ट पॉजिटिव आया है और केस रजिस्टर कर लिया गया है। हालांकि अभी के लिए मुनव्वर फारूकी को जाने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।